20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये जो रूटीन आप फॉलो करोगे ना इसकी वजह से पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो चलता लोग, हम लोग आ चुके हैं वो लोकेशन पे जहाँ हम लोग सनराइज का व्यू लेने को आ रहे हैं। इतना मजा आ रहा है यार। सो हे गाइस, दोस्तों एवरीबॉडी, अशी दियर एंड यू आर वॉचिंग यशपांचा व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग जनता लोग, कैसे हो? सो या आज का जो व्लॉग होगा वो थोड़ा अलग होगा बाकी व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग ने प्लान किया कि सुबह जाके सनराइज़ का व्यू लेंगे। बहुत दिन हो गए मैंने सनराइज़ का व्यू देखा नहीं है। सो आज के व्लॉग में हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग सनराइज़ का व्यू लेंगे, को दिखाएंगे सनराइज़ का व्यू। तो सबसे पहले मुझे कॉल करना है दोस्तों को, बिकॉज़ वो भी आ रहे हैं। एंड एक्चुअली प्लान बना था 6 का, बट 6 बजे कोई नहीं उठा। तो अभी देखते कॉल करके कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आई गेस सभी लोग सो चुके हैं, वो लोग नहीं उठेंगे, मेरे को ही जाना पड़ेगा अकेले। एंड या तो चलो अपन जाते हैं सनराइज़ का व्यू लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है आज सुबह सुबह। एंड एक्चुअली अभी बज चुके हैं 7:05, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड अभी इसका टेम्परेचर चेक करते कितना है। सो जस्ट अभी हम लोग ने चेक किया अभी सुबह का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर है अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस। अभी सुबह का जो मेरे एरिया में लोकेशन है वो लोकेशन पे 17 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है बॉस, ऊपर से मुझे और ठंडी लग रही है बिकॉज आज मैंने हाफ टी शर्ट पहना है। एंड वरना रोज़ मैं हुडी पे आता हूँ तो इतना नहीं लगता, फिर भी आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। एंड एक्चुअली जहाँ हम लोग सनराइज देखने जा रहे हैं वो लोकेशन हाईवे के इधर है। एंड आप लोग ने पहले भी वो वीडियो देख लिया है, एंड जिसको याद है वो वीडियो उसको ज़रूर याद आएगा वो लोकेशन। तो या अभी हम लोग वो लोकेशन पर जाएंगे एंड उधर का सनराइज़ का व्यू कैप्चर करेंगे। एंड एक्चुअली सनराइज़ का व्यू 7:30 के अराउंड होता है, एंड अभी 7:15 हो चुके हैं। एंड हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा वरना सनराइज़ का व्यू आज चला जाएगा तो आज का पूरा दिन भी वैसे ही ख़राब हो जाएगा। सुबह सुबह एक रूटीन ट्राई करके देखो, सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, प्लस आप मोटिवेशन सॉन्ग सुनो एंड सनराइज़ का व्यू देखो एंड उसके ऊपर चाय भी पियो। भाई ये जो आप कॉम्बिनेशन करोगे ना, ये जो रूटीन आप फॉलो करोगे ना, इसकी वजह से पूरा दिन अच्छा जाएगा। आई स्वेयर मैं सुबह सुबह यही करता हूँ। एंड बहुत दिन हो गए आज हम लोग सनराइज़ का व्यू देखने वाले, तो या जल्दी चलते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है अभी आपके पास। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, होए होए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना। तो फिलहाल अभी हम लोग हाईवे पर पहुंच चुके हैं, हाईवे पे इतना ज़्यादा लोग नहीं है, इसके लिए अभी हम लोग मास्क निकाल के व्लॉग करेंगे। ऑलमोस्ट अभी सनराइज होने को है बिकॉज 7:30 होने को सिर्फ 5-10 मिनट ही बाकी है। तो अभी हम लोग इधर मोस्टली स्टार्टिंग इधर से सनराइज होती है, बट इधर से हुआ नहीं मतलब अभी तक टाइम है सनराइज को। तब तक हम लोग धीरे धीरे करके वो साइड पहुँच जाएंगे। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज है बिकॉज इधर हाईवे, यार हाईवे पे आवाज़ तो आ गई सुबह सुबह। तो लेट्स गो। भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। तो जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ सनराइज हो रहा है धीरे धीरे करके। हम लोग को थोड़ा आगे जाके उधर सनराइज का व्यू लेने के, अभी फटक से अपन उधर जाते हैं व्यू लेते हैं। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर। तो चलता लोग, हम लोग आ चुके वो लोकेशन पे जहाँ हम लोग सनराइज का व्यू लेने को आ रहे हैं।
इधर भले ही आपको शोर शराबा सुनाई दिया रहेगा बट इधर का व्यू सबसे बढ़िया है। थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं बिकॉज सनराइज़ हो चुका है एंड जैसे ही आप दिखा देते हो आपको सनराइज़ का व्यू। जैसे कि आप देख सकते हो सनराइज हो चुका है एंड हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं। सो 2020 में मैंने एक वीडियो बनाया अर्ली मॉर्निंग वाइब्स एट ऐरोली। वीडियो में मैंने एक्चुअली सनराइज का व्यू दिखाया था बट इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी का फ़र्क है। उसमें ओप्पो A3s था, इसमें GoPro Hero 9 है। सो क्वालिटी में थोड़ा बहुत तो फ़र्क, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। एंड अभी आप सिर्फ सनसेट का मज़ा लो, सॉरी सनराइज़ का मज़ा लो क्योंकि अभी हम लोग सिनेमैटिक लेने वाले हैं। अब तो आ रहा सदास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सदास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। हम लोग ने सनराइज़ का व्यू ले लिया है एंड अभी हम लोग इधर नॉर्मली थोड़ा सिनेमैटिक्स एंड फ़ोटोज़ लेंगे। तो सुबह उठा है कुछ तो कष्ट करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे, स्ट्रीट फ़ोटोज़, एंड फिर हम लोग इंस्टा पे पोस्ट करेंगे। जिसको फोटोग्राफी अकाउंट नहीं मालूम है मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आके फॉलो करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड या तो अभी हम लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, फ़ोटोज़ निकालने के बाद आपको डायरेक्ट हम लोग संभाजी में मिलेंगे। ओके लेट्स गो। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ही हम तुमसे। मेरे को नहीं मालूम कि अभी ठंडी कम होगी कि बढ़ गई है, मैंने चेक नहीं किया है, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। इसके लिए मुझे लगता है कि ठंडी थोड़ी कम हो चुकी है बट हाईवे पे हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं ना, ऊपर से जो हवाएं आ रही है ना भाई, जो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं है ना, वो बोल नहीं सकता इतना मज़ा आ रहा है यार। दोनों तरफ से हवाएं, बिकॉज दोनों साइड से गाड़ियाँ जाती है। ये देखो एक और गाड़ी गई, तो जैसे एक गाड़ी जाती है ना तो बहुत ज़्यादा हवा आती है, एंड इधर से तो भाई सारी गाड़ियाँ जा रही है तो हवा तो और ही आएगी। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा है प्लस हम लोग सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं वो अलग से। तो यार अभी हम लोग संभाजी में जाएंगे, तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट संभाजी में मिलते हैं आपको। A few moments later. So, अभी मेरा फ़ोन हो चुका है डेड, मतलब स्विच ऑफ हो चुका है। एंड मैंने विरल को कॉल करके पूछा था कि तू आज किधर है, रोज़ वो हाईवे पे इधर राउंड मारने जाता है बट वो आज गया नहीं बिकॉज उसका सिर दर्द कर रहा है, क्या मालूम वो क्या बहाने बनाता है। तो एक्चुअली अभी वो घर पे है, मैंने उसको कॉल करके पूछा आ रहा है कि नहीं नीचे, वो बोलता है 8:15 नहीं तो 8:30 तक मैं नीचे आ जाऊँगा। बट अभी मेरा फ़ोन है स्विच ऑफ, अगर उसने फ़ोन लगाया तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। या तो वो दो ऑप्शन कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है कि वो राउंड मारने आएगा कि स्विच ऑफ लगेगा तो वो खुद सो जाएगा, दोनों ऑप्शन में से देखते कौन सा वो ऑप्शन चूज़ करता है। बट आई गेस वो उस राउंड मारने आ सकते हैं, इसके लिए मैं इधर संभाजी में 15-20 मिनट इसका इंतज़ार करेंगे। इफ़ वो आया तो मैं राउंड मारूँगा 2-3-4 एंड उसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे। इफ़ वो नहीं आया तो हम लोग सीधा घर पे ही जाएंगे, दैट्स इट। एंड देखते 15-20 मिनट वेट करके आता है कि नहीं, चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो अभी तक विरल नहीं आ चुका है एंड 15-20 मिनट हो चुके हैं हम लोग इंतज़ार करते हुए। सो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, ये ब्लॉग यही एंड कर रहे हैं।
सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड बताओ यार डेली व्लॉग्स आपको कैसा लगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ. तो मिलते हैं आपको फिर अगले डेली व्लॉग्स में. अब तो आ रहा है बारात, करना इंकार बार बार देना साथ. अब तो आ रहा है बारात.